अश्विन हेलो, कॉल आया है तुम्हारा। मैं ठीक हूँ। निकिता फोन फेंक दे। तो आज संडे और हमारी जो महिला मित्र है जिनका सुबह कॉल आया था, एक नहीं चार बार, हाँ चार बार, वो समय हमें मौसम की जानकारी देते हुए बता रही थी कि आज बारिश होगी। अब बारिश से हमें क्या लेना देना था, मगर बात आ गई थी पकौड़ों की और एक बहुत ही प्यारी माँ बेटी की मोटिवेशनल स्टोरी की, तो हमने भी हामी भरी और निकल पड़े। I don't want any part of this. तो घर से निकलते ही हमारी मुलाकात धूप से हो गई। अब कुछ गलियों से गुजरते गुजरते हम एक चौक पर पहुंचे जिसका नाम है विजय चौक। अब वहां पर मेरी नजर पकौड़ों को तलाशते हुए एक दुकान पर पड़ी। देखो बारिश तो नहीं हो रही थी लेकिन धूप थी, लेकिन मन तो था पकौड़ों खाने का। अब शायद बारिश हो जाए, हम सोचे चलो बारिश हो ना हो पकौड़े खाते हैं। वहां पर मैंने देखा कि गोल गोल राम लड्डू और ब्रेड पकौड़े छन रहे थे और साथ ही साथ बगल में उसके गोल कढ़ाई में समोसे छन कर रखे हुए थे। तो हम कहे कि चलो चलते हैं, देखते हैं क्या क्या मिलता है। तो मैं आपको आज के हमारे वीडियो के हीरो से मिलवा दूं, जो कि हैं सूरज भैया। और इनके पास ऐसा क्या है जो हम इनके पास आए हैं, तो मैं आपको एक हिंट देता हूँ। इनके पास है दुनिया का बेस्ट शेफ और उस शेफ जैसा खाना फाइव स्टार वाले भी आज तक नहीं बना पाए, सोचो। जी हाँ, मैं माँ की बात कर रहा हूँ। राजमा चावल हो या भारतीय घर का नेशनल फूड दाल चावल, माँ के हाथ का जादू हर चीज में टेस्ट ला देता है। और यहाँ पर तो खुद सूरज जी का साथ उनकी माँ देती हैं। मगर गौर करने की बात ये है कि इतनी तेजी से राम लड्डू को कढ़ाई में छोड़ते हैं और छोड़ते वक्त हर राम लड्डू की पूंछ बनती है। वो देखकर मेरे मन के सवाल को मैंने उनके सामने रखा। मेरा नाम सूरज कुमार है। अच्छा, तो भैया आप कितने टाइम से आपकी शॉप है यहाँ पे? 25 years। तो आपसे पहले कौन चलाता था? मेरे पापा। अच्छा, आपके पापा। और आप कितने साल से आप चला रहे हो? 10 साल से। और भैया कितना टाइम, मतलब क्या क्या आप सर्व करते हैं यहाँ पे? अच्छा। आंटी काफी कैमरा कॉन्शियस थी तो उन्होंने हमसे बात करने से इनकार करते हुए प्यार से पूछा कि आप क्या खाएंगे। हमने भी सोचा कि यार जोर नहीं डालते हैं, भैया से ही बात करना हमने सही समझा। तो आपने शॉप का नाम क्यों नहीं रखा, कभी सोचा नहीं आपने नाम रखने का? कभी नहीं सोचो भैया। तो भैया की स्माइल देख सकते हो गाइस, बहुत प्यारी स्माइल है भैया की, मतलब एक हंसता हुआ चेहरा है जो गोल गोल ये राम लड्डू बना रहे भैया, देख सकते हो। सच बताऊं मुझे काफ़ी अच्छा लगा उनसे बात करके। आंटी कैमरे के आगे तो कुछ नहीं बोली बट हमें बहुत अच्छे से ट्रीट किया उन्होंने। मुझे भैया की स्माइल काफ़ी अच्छी लगी बट एक चीज़ मिसिंग लग रही थी, आंटी की फोटो। तो राम लड्डू को निकिता के हवाले करते हुए हमने हमारे उस लेंस को यूज़ किया जो रखा था काफ़ी जन्मों से। और अब है रिव्यू की बारी। तो मेरे को सब कुछ बहुत पसंद आया, पर्सनली मेरे को समोसा बहुत अच्छे लगा, मतलब कि जो समोसा था ना उसकी भी जो फ्रेशनेस थी वो बहुत ज़्यादा अल्टीमेट लेवल पे थी। और जो ब्रेड पकौड़े थे उनकी भी स्टफिंग, दैट वाज लिट। आई रिकमेंड दिस प्लेस गाइस, एक बार विजिट ज़रूर करना एंड आई विल रेट दिस प्लेस इंक्लूडिंग हाइजीन, क्वालिटी ऑफ फूड एंड ईजी वे टू रीच एंड ऑल्सो रीजनेबल रेट, आई विल रेट इट 10 out of 10। कहते हैं इफ यू हैव ब्लेसिंग ऑफ मॉम यू कैन अचीव एनीथिंग इन योर लाइफ, और यहाँ पर तो सूरज भैया के पास उनकी माँ है और उनके माँ की ब्लेसिंग्स भी हैं। तो आई थिंक दैट्स एनफ गाइस। सो गाइस इफ यू लाइक द वीडियो पंच द थम्स अप बटन एंड डिस्ट्रॉय द सब्सक्राइब बटन, हम 1K के बहुत पास है, तो ज्यादा के जल्दी जल्दी वीडियो लाइक कर दो। तो इतने सारे स्ट्रगल, मोटिवेशन, इमोशन और पकौड़ों के बाद हमें बारिश मिली गई।